तुर्की ने अमेरिका की जानिब से ईरानी तेल की खरीदारी पर दी गई मोहलत खत्म करने का अमेरिकी फैसला मुस्तरद कर दिया है। अरब टीवी के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा मौलोद चावलोश ओग्लो ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरानी तेल पर पाबंदियों का निफाज इलाकाई अमनो इस्तेकाम में मुआवन साबित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि तुर्क ईरानी तेल पर अमेरिकी पाबंदियों के फैसले को मुस्तरद करता है। अमेरिकी इकदामात यक तरफा हैं और तुर्की अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब नहीं होने देगा। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज एक बयान में कहा कि ईरान से तेल की खरीदारी पर दी गई छूट खत्म करने का ऐलान किया है और कहा है कि 2 मई के बाद ईरान से तेल की खरीदारी पर दी गई छूट खत्म कर दी जाएगी। अमेरिका की तरफ से चीन, भारत, जनूबी कोरिया, तुर्की, जापान, ताइवान, इटली और यूनान को 2 मई 2019 तक ईरान से तेल की खरीदारी जारी रखने की मोहलत दी गई थी। अमेरिका ने इस मोहलत में मजीद तौसी ना करने का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।